तुम यहां क्या कर रहे हो? वही परफ्यूम, वही वाले। आपने मुझे डरा दिया, आप यहां क्या कर रहे हैं? तुम एक मिनट यहीं रुको, यहां से हिलना मत, मैं म्यूजिक बंद करके आता हूं। वहीं रहना, हिलना मत। और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूं? तुम मुझे बताओ तुम यहां क्या कर रही हो? वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही लेने आई थी, और मैं आपको समझा नहीं सकती। अब मुझे घर जाना चाहिए। एक मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर के अंदर कैसे आई? मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। एमरे ने? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, देखिए मिस्टर जान, आपको पूरा हक है ये पूछने का, आप मेरे बॉस है, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सनम, तुम क्या बोलना चाह रही हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही सही बताओगे तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और मेरे घर में इतनी रात को आखिर क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, I'm so sorry। मिस्टर एमरे ने अपनी जैकेट पर कॉफी गिरा ली थी, मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, पर मैं अपना वॉलेट उसमें भूल गई, उनकी जेब में, और मुझे पता था कि उनकी वो जैकेट यही घर पर होगी, इसीलिए मैं बस वॉलेट लेने यहाँ आ गई। तो तुम ये कह रही हो कि एमरे के पॉकेट में तुम्हारा कुछ सामान है ना? हाँ, वो मेरा है। और वो इतना जरूरी होगा कि तुम एमरे से चाबी लेकर इतनी रात को यहाँ पर आई, क्योंकि कल तक तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, क्या मैं ले सकती हूँ अपना वॉलेट? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ आओ। ये मैंने क्या बोल दिया, कोई और बहाना नहीं दे सकती थी। मिस्टर एमरे की जेब से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वो खाली हो, अब मैं क्या करूंगी? ओ नो। क्या ये वही है? हाँ यही है, लेफ्ट पॉकेट में। देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या हुआ सनम, घबराई हुई क्यों? हाँ ये मेरी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए घबरा गई थी, मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। हाँ
मेरा फियांसे है और उसी ने ही मुझे ये रिंग दी थी। मुझे डर था कि कहीं मैं इसे भूल ना जाऊँ और कहीं खो ना दूँ, इसलिए मैंने इसे मिस्टर एमरे के पॉकेट में रख दी थी। शुक्र है कि ये मिल गई, अगर ये खो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। सनेम ऐसे नहीं खुलेगा, आराम से। अरे ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? आ, मेरा पैर। अरे नहीं, पागल लड़की है। सनम क्या है ये, अपना घुटना भी फोड़ लिया। हेलो मिस्टर एमरे। सनम तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? मैं नहीं कर पाई। क्या मतलब है इसका, मैंने तुम्हें सब समझाया था ना ठीक से? एक मिनट मिस्टर एमरे, क्या इंतजाम किया था आपने? आपको पता है मिस्टर जान ने मुझे पकड़ लिया था, मैं कितनी घबरा गई थी। ये तुम क्या कह रही हो सनम, मेरे भाई ने तुम्हें देखा, तुमसे क्या पूछा? बेवकूफी भरा बहाना बनाया। मैंने कहा आपके जैकेट पर कॉफी गिर गई थी और मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, और तब मैंने आपके पॉकेट में अपना कुछ सामान रख दिया और वही लेने के लिए मैं वहां आई, और आपकी पॉकेट में जो रिंग मिली मैंने उसे अपनी सगाई की रिंग बता दी। तुमने क्या कर दिया सनम, वो रिंग कितनी महंगी है। उस रिंग को संभाल कर रखो, समझी? तुमने सुना मैंने क्या कहा तुमसे? संभाल कर रखो। हाँ हाँ सुन लिया। तुमने क्या वो फाइल ले ली, मेरे भाई ने देखा? नहीं मैं फाइल नहीं ले सकी और ना ही उन्होंने मुझे लेते हुए देखा। वो देख नहीं सकते, फाइल ले ली है, क्या कह रहे हो? अगर उन्हें रात को लिविंग रूम साफ करने की आदत नहीं है तो वो मुझे नहीं देख पाएंगे। पर हाँ, वो थोड़े से अजीब है और उनका कोई भरोसा भी नहीं। सनम तुम क्या बात कर रही हो? मैंने वो फाइल लिविंग रूम में रखी है, वहाँ एक जार है उसके अंदर। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है। मिस्टर एमरे देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। मैं हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हूँ, इसलिए प्लीज मैं ये नहीं कर पाऊंगी। और हाँ, चिल्ला कर बात करने के लिए सॉरी। सनम ठीक है, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, कल बात करते हैं ठीक है? हेलो हेलो मिस्टर एमरे, मिस्टर एमरे। इस बार तो मैं 100% जॉब से गई। टेबल पर बैठो, जाओ जाओ टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ खाना, जाओ। मैं बहुत खुश हूँ मेरी सनम। देखो मैं तुम्हें मेरी सनम बुला रहा हूँ क्योंकि अब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे। ओए सनम, अपनी हालत तो देखो, ये क्या हो गया तुम्हें, और ये तुम्हारे घुटने में चोट कैसे आई? अब क्या बताओ तुम्हें क्या हुआ, एक मुसीबत से दूसरे मुसीबत में फंस गई और ऊपर से ये रिंग। वाओ क्या बात है, क्या तुमने चोरी की है सनम? मेरी सनम, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ तो मैं भी यही पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें हो क्या गया है। हा? मॉम क्या आप ये बात नहीं जानती हैं? सनम काम करने लगी है, वो बहुत थक गई है, देखो कितनी टायर्ड लग रही है, ठीक से खाना भी नहीं खाती है लगता। लेकिन हमारी शादी के बाद सनम काम नहीं करेगी, वो सिर्फ आराम करेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो जबरदस्त, हमारी शादी नहीं होने वाली। सनम ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे डैड को सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। देखिए आप ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए, मैं इससे शादी नहीं करने वाली क्योंकि मैं नहीं करना चाहती। बात करने की तमीज ही नहीं, सुना नहीं तुमने मुजफ्फर, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती।
मॉम वो हमेशा से ऐसी ही है, एकदम मुंह फट मुंह पे बोलने वाली। वो मुझे भी 20 सालों से तड़पा रही है मॉम। यार जबरदस्त, 20 साल तक मैं कैसे नाटक कर सकती हूँ? मेरी मॉम ने हाँ इसलिए कहा ताकि आपको बुरा ना लगे। बदतमीज लड़की, मैं बाद में बात करूंगी। ये सच नहीं है, सब गड़बड़ कर देगी। मॉम तो गलतफहमी हुई है, मेरा यकीन मानिए। देखा क्या हुआ, सास बहू के झगड़े में मैं बलि का बकरा बन गया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम दोनों की लड़ाई में ना हमेशा मैं ही पिसने वाला हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। मॉम रुकिए। सनम मेरी बहन, तुमने बताओ मैंने क्या गलत कर दिया? तुम ऐसे कैसे शादी से इनकार कर सकती हो, वो भी उनके मुंह पे? तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत का क्या अंजाम होगा? तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सही कहा, इस बार तो मैं गई काम से, अब कुछ नहीं बचा। कम से कम तुम तो मुझे रोक सकती थी ना। अरे सनम रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। सनम मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए जो भी हुआ उनका ये मतलब नहीं था, इसकी गलती नहीं है। सुनिए नहीं, मेरी बात सुनिए, यकीन कीजिए। तुम रुक रो, देखिए मैं कह रही हूँ और मैं वही सारी कोशिश भी कर रहा था, लेकिन सनम ये तुम्हें क्या हुआ? क्यों कह रही है कुछ भी? हाँ मैं गिर गई थी डैड, पर इस वक्त ये जरूरी नहीं है। हाँ पर कैसे, तुम्हारे घुटने से खून बह रहा है। कितने बेहुदा लोग हैं, बात करने की तमीज नहीं, वो ऐसा नहीं कह रही कुछ भी, उनका ये मतलब नहीं था। सुबान संभाल कर। मॉम प्लीज आप अंदर चलिए। सनम तुम्हें समझ नहीं आता, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमसे तो मैं कभी उम्मीद ही नहीं कर सकती कि तुम मेरा साथ दोगी। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, बेकार लोग है ये। देखो सुन, अपनी जुबान संभाल कर बात करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैंने अपना आपा खो दिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे ले जाओ यहाँ से। चलिए चलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ एक बात। अगर तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं थी तो हमें तुम्हारे घर बुलाया क्यों? और मैं विक, तुम भी प्लीज। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग हो कि हद से आगे बढ़ते ही जा रहे हो। जरा देखो यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। हाँ तो सबको सुनने दो ना। आई सुन, तुमने मुझसे कहा था कि हम आ सकते हैं तो मैंने कहा कि हाँ आ सकते हैं। क्या कहती? बिल्कुल नहीं। और मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि हम अपनी बेटी तुम्हें देंगे। ऐसे भी मुझे तुम्हारी बेटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, समझे? तो सुन, मेरी बेटी मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम पहले अपने बेटे से पूछो कि वो उसका फैन है या नहीं, पूछो उससे। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं शादी कर लूँ। इस वक्त कोई तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा। जबरदस्त, तुम्हें कीमती वक्त के बारे में क्या पता है? पहले अपनी बेटी को आप जानती है कि सनम क्या है? बहुत हुआ, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप रहो, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, ओके अंकल मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी। यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है क्या? जाओ अपने घर में, चलो जाओ। तुम भी अपने घर में जाओ, जाके देखो। खुद का कुछ अता पता नहीं और दूसरों के घर में झाकेंगे। वही परफ्यूम, वो खुशबू वही थी। तुम्हारा कोई मंगेतर है? हाँ। और भाई क्या हो रहा है? कुछ बहुत अजीब हुआ, सनम यहां आई थी और वो भी छुप के। तुम डर गए थे? हाँ डर तो मैं गया था। यार ऐसे तुमने किसी अनजान लड़की को चाबी क्यों दे दी? और दी भी थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? भाई मुझे कैसे पता होगा कि तुम घर पे होंगे या नहीं, और तुमने मुझे कहा था ना कि हम सनम पर भरोसा कर सकते हैं। ऑफिस की बात कुछ और है। एक मिनट, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन सनम के पास हो सकती है। मैंने चाबी दे दी तो प्रॉब्लम हो गई? हाँ है प्रॉब्लम। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? उसने मुझे रोते हुए कॉल किया था और उसने कहा कि उसकी कोई कीमती चीज खो गई है और वो मेरे पॉकेट में ही थी। वैसे मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मेरे जेब में ऐसा क्या रह गया था।
शादी की रिंग थी, वो भी बहुत कीमती वाली, उसमें हीरे जड़े हुए थे। मैं असल में चौंक गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो बहुत खूबसूरत है, उसका मंगेतर अमीर होगा जरूर। भाई उसकी मंगनी हो गई, इस बात का तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ बकवास करते रहते हो, पहले बॉल पकड़ना सीख लो। थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से मेरी जान जाएगी। मैं क्यों बे, कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हारी वजह से ही मरूंगा। मिसेस आइजोन सही कह रही थी, तुम्हें उन्हें घर ही क्यों बुलाया जब शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी थी तो? हाँ सही कहा, मैं तो पहले ही दिन से कह रही थी कि मैं जबरदस्त से शादी नहीं करूंगी। दीदी डैड की दवाइयां ला दो, इनका ब्लड प्रेशर हाई है। डैड आप इतने हाइपर क्यों हो जाते हो? आज रात तो मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। मॉम देखिए, इस बार आपका प्लान काम नहीं आया। डैड सही है और सनीम भी सही है, आपने ये मुसीबत खड़ी की और उसमें हमको घसीट लिया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, जरा देना। हाँ ये लो, अब सोने चले क्या? मैं विवेक, मैं विवेक, मैं विवेक। मॉम ओह नो, मॉम आप ठीक तो हैं? इनका ये चेहरा, इनकी ये नजर, हम तीनों तो गए काम से। सनीम तुम्हारे दिमाग में भी वही चल रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है? मैं विवेक, तुमने क्या मौन व्रत ले लिया है? मेरी प्यारी बेटियों, अब दीवार की तरफ दौड़ो, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, अरे चलो जल्दी 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 निकलो। हाय एहसान, कैसे हो? क्या चल रहा है? मैं ठीक हूं। देखो उसे करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ठीक है, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं डेरन से बात करता हूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। हेलो डेरन, एहसान जिल ने मुझे कॉल किया था। एक्चुअली उसे एयरलाइन कंपनी के लिए एक कैंपेन चाहिए और वो बहुत अर्जेंट है। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और हमें ये सीक्रेट रखना होगा। ध्यान रहे ये बात लीक ना हो। देखो अपने आप को ही चोट पहुंचा ली तुमने। इतना भी नहीं बता के दरवाजा नॉक करना चाहिए? क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो बताओ मुझे जरा। मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो सनीम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। सच कहूँ तो मैं परेशान नहीं हूँ, पर ऑफिस में परेशानी है, वहाँ सब परेशान हैं और तुम भी परेशान हो। बिल्कुल टेंशन तो हो गई। मिस्टर जॉन जनरल मैनेजर कैसे हो सकते हैं? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा सने, मिस्टर एमरे ने इस कंपनी के लिए बहुत सालों से मेहनत की है, मैंने खुद देखा है उन्हें, और मिस्टर जान ने क्या किया, यहाँ वहाँ घूमकर तस्वीरें खींचते हैं और एक ही दिन में जनरल मैनेजर की कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं। क्या मजाक है ये? मैं तुमसे एक बात पूछूं दीदी, मिस्टर जान क्या बुरे इंसान है? वेल अगर वो अच्छा इंसान होता तो अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करता, समझी? हाँ सही कहा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, पर मुझे लगता है 2-3 दिनों में तुम्हें बुला लेंगे। काश ऐसा ही हो सनीम, मैं घर पर बहुत बोर हो गई हूँ, मैं इस मोहल्ले से बोर हो गई हूँ, मैं अयान से बोर हो गई हूँ, मैं तो अपने आप से बोर हो गई हूँ।
आप ऐसे कैसे जी सकते हैं? ये एक बहुत ही बोरिंग लाइफ है और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। जैसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग थी तुम्हारी लाइफ, अब उठो मुझे सोना है। सनम, क्या मुझे निकाल दिया गया है? बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ी सी बात करनी है। थोड़ी बातें कर ली ना, बाकी की कल कर ली। ठीक है, तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। जैसा कि औरान परमुख ने कहा है, सच्चा प्यार वही होता है जिससे आप महसूस कर सकते हो बिना देखे। बिना देखे प्यार करने से भावनाएं और जगती हैं। आप बाहर से कैसे दिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी खुशबू, आपका एहसास, ये सब याद रहता है। मुझे भी किसी से प्यार हुआ है उसे बिना देखे। हाँ, मुझे प्यार हो गया है, पर एक दिन तुम्हें जरूर देखना चाहूंगी। पर उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे आकर ढूंढो, मेरे पास आ जाओ। वो एक एयरलाइन कंपनी के लिए है, तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। That's a great job. मुझे ये किसी भी कीमत पर चाहिए। आइलिन, बकवास बंद करो। उन्होंने मेरे भाई को कॉल किया था, तुम्हें नहीं। मैं सब संभाल लूंगी। मैं उस कंपनी के एडवर्टीजमेंट मैनेजर को जानती हूँ। सेदा, कैसे हो? मेरे पास तुम्हारी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है, इसलिए तुम्हें तुरंत कॉल कर दिया। Really? सिर्फ एक दिन? मैं कर लूंगी, तुम मुझे डिटेल्स भेज दो। ओके ओके, बाय, थैंक यू। तुम जीनियस हो। सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो है टाइम। एम्ब्रे, मुझे देखना है कि वो लोग तुम्हारी कंपनी में क्या कर रहे हैं, पर मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है। आइलिन, हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे भाई को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तुम्हारे भाई के साथ काम किया है, उसका काम बिल्कुल परफेक्ट होता है। मुझे सिर्फ कैंपेन के चलने का तरीका पता करना है। मैं मेन थीम बदल दूंगी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम्हें पता है, तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देती हो। तुम्हारे लिए या हमारे लिए? क्या हम पार्टनर्स नहीं है? अब तक तो नहीं है। आ जाओ। मिस्टर एम्ब्रे। यस मिस आइलिन। तो अब हम पार्टनर्स हैं? हाँ बिल्कुल। कॉन्ग्रेट्स। I'm sure तुम बहुत थक गई होगी क्योंकि पूरी रात तुमने इन डॉक्यूमेंट्स पे काम किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है इस कंपनी की सिक्योरिटी। क्या तुम अपनी टीम पे भरोसा करती हो डेरन? हाँ करती हूँ, लेकिन क्यों? देखो, हमारे पास एक नया कैंपेन आ रहा है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें बहुत प्रॉफिट होगा। मैं समझ सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी मिस्टर जान। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके मिस्टर जान, जब से आप यहाँ आए हो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो। क्या हम कॉफी पर बाहर चलें? बहुत सारी बातें करनी है। हाँ मुझे पता है, हम जल्दी चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे। तो कॉफी पर मिलते हैं फिर। मिलते हैं। मुझे ऑफिस से किसी ने फोन नहीं किया, मैं इंतजार कर रही हूँ। अगर उन्होंने कॉल किया तो मैं दौड़ कर जाऊंगी। मॉम, क्या उन्होंने मुझे निकाल दिया होगा? हाँ, क्या लेस पुराना फैशन नहीं है? आखिर ये आप बना किसके ले रही हैं?
मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप बोलेंगी या नहीं? तो मतलब आप जवाब नहीं देंगी? मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, शायद मैं वापस नहीं आऊंगी। बाय। गुड मॉर्निंग सनम। मिस्टर एमरे, आई एम रियली सॉरी जो हुआ। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। क्या अब आप मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं क्या? आप वही बोलेंगे क्या? सनम मैं, देखिए मिस्टर एमरे, आपने जो पैसे मुझे दिए हैं उन्हें चुकाने के लिए मुझे काम करना ही होगा, इसलिए प्लीज मुझे मत निकालिए। सनम तुम्हें निकाला नहीं गया है, लेकिन जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे, ठीक है? हाँ हाँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। गुड। मेरा भाई एक कैंपेन तैयार कर रहा है और जब वो तैयार हो जाए तुम वो लेकर मुझे दे दो। कौन सा कैंपेन? एयरलाइन कंपनी के लिए। आप खुद जाकर क्यों नहीं ले लेते? तुम्हें मुझे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, समझ गई? हाँ, मेरा भाई किसी चीज के पीछे लगा है और मैं वो प्रोजेक्ट देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। ओह मिस्टर एमरे, आप जानते हैं मुझे सारी रात नींद नहीं आई। ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये ले लीजिए। अगर मैंने इसे खो दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज रख लीजिए। सनम कोई देख लेगा, प्लीज इसे अपनी उंगली में पहन लो। अरे नहीं नहीं मिस्टर एमरे, मुझे सारी रात नींद नहीं आई और मिस्टर जान से तो मैं कह चुकी हूँ कि ये मेरी सगाई की रिंग है। आप मुझे इसकी डुप्लीकेट दे दीजिए ना। मैंने इसे एंटिक दुकान से खरीदा है, इसकी नकल नहीं होती, पहन लो तुम। ये बहुत कीमती है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। हम मिस्टर जान को बता देते हैं ना। तुम क्या कहोगी उसे? ये कहोगी कि तुम्हारी मंगनी नहीं हुई है और ये रिंग तुम्हारी नहीं है? कल रात हमारे घर में घुसने की क्या वजह बताओगी तुम? मुझे लगता है मुझे रिजाइन करना चाहिए, पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए हैं और मुझे चुकाने हैं। आप मुझे निकाल सकते हैं पर आप मुझे नहीं निकाल सकते कि आपने मुझे पैसे दिए हैं और मुझे वो चुकाने हैं, पर अब ये रिंग भी मैं संभालूं? तुम अभी ऑफिस जाओ, मैं भी आता हूँ। मैं इसे सिर्फ तभी पहनूंगी जब मिस्टर जॉन सामने होंगे। गुड, ठीक है। हेलो डैडी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग डैड। तुम क्या ऑफिस जा रही हो? नहीं, अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया। तो फिर तुम ऐसे तैयार क्यों हुई हो? हाँ पॉसिबल तो है, वो मुझे कभी भी फोन करके बुला सकते हैं। मैं तैयार हूँ, मैं जाना चाहती हूँ वहाँ। लैला, तुम्हारी माँ अभी तक नाराज है क्या? हाँ डैड, वो अभी तक नाराज है, बात ही नहीं कर रही है। समझ नहीं आता कि अब क्या करूँ। हाँ डैड, मेरे पास नौकरी नहीं है और उसकी वजह से मेरी माँ मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अरे बेटा, तुम्हारा पापा किस दिन काम आएगा? हाँ, इधर आओ इधर आओ। लो लो लो, अरे मेरे बेटा। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, हम दोनों साथ मैं में पीएंगे। कर देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों, मैं किस दिन काम आऊंगा? हैं? ठीक है। तुमने मुझे डरा दिया यान। क्या सच में? वैसे तुम इस दुकान के सामने बैठी हो, कोई खास वजह? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम ही इस दुकान की मालकिन हो, सच कह रही हो? नॉनसेंस, मैं यहाँ सिर्फ अपने डैड से मिलने आई हूँ। अच्छा, तुम क्या कर रही हो, खाली क्यों बैठी हो? जब मैं कभी भी खाली बैठती हूँ ना, तो मेरा ये दिमाग पागलों की तरह दौड़ता है, जैसे कि। लो चाय तैयार है, ये लो। अरे तुम भी यही हो, लो चाय पियो। थैंक यू अंकल निहात, लेकिन आप अपनी चाय एंजॉय कीजिए, मैं घर से पीकर आई हूँ। तो फिर ठीक है। अंकल निहात, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लैला के पास अब नौकरी नहीं है, वो काम भी नहीं कर रही है, तो उसका मानना है कि वो एक बहुत अच्छी बिजनेस लेडी बन सकती है। मेरी बेटी बहुत तेज है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल। वैसे भी मैंने सोचा है कि खाली बैठने से अच्छा कि क्यों ना वो इस दुकान के लिए कुछ करे, जैसे कि मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए? हाँ अंकल, मार्केटिंग। हाँ बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया आइडिया है तुम्हें। तुम क्या कहती हो, शायद तुम मेरे लिए लकी हो जाओ, तुम यही तो कह रही थी। अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं कर लेती? हाँ बिल्कुल डैड। चलो बहुत अच्छा हुआ, तो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? वैसे ऑल द बेस्ट लैला, मार्केटिंग। थैंक यू। चलो मैं तुम्हें हमारे काम करने का तरीका समझाता हूँ। डैड पहले चाय पी लेते हैं। जाओ यहाँ से, बेवकूफ कहीं। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलिस। गुड मॉर्निंग।
तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मैं एक एयरलाइंस की कैबिन क्रू के ड्रेस में एक एड क्लिप में हिस्सा लेने वाली हूँ। ओह हाँ, वो एयरलाइन का एड याद आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा क्या रोल है उसमें? मुझे नहीं मालूम, अब तक कुछ पता नहीं। हे, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे नहीं, कुछ खास नहीं, वो मैं थोड़ा गिर गई थी। कुलिस, मुझे ना तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। ये ना, ये देखो, ये उन गेस्ट की लिस्ट है जो उस दिन 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आए थे। इनमें से जो दाढ़ी वाले हैं, उनके नाम पर निशान बना दो, लेकिन सिर्फ वो जो बैचलर्स है। अगर तुम मुझे रीजन बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। उस रात मैं किसी से टकराई थी, उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़के की दाढ़ी थी। मिस्टर वाकिफ, उनकी शादी नहीं हुई, तुम्हें पता है उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? क्या उम्र है उनकी? 60, शायद 70। आई होप मैं उस रात उनसे नहीं टकराई थी। सनी, क्या उस रात तुम्हें किसी ने छेड़ा था? ये बदला लेने का टाइम है। एल्बेट्रॉस क्या है, कोई कार्ड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दुनिया का सबसे रोमांटिक इंसान हो सकता है, बस उसे देख नहीं पाई मैं। तुम सच में बहुत अजीब हो। ये लो, मैंने मार्क कर दिए हैं। सनेम, क्या तुम मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचोगी जरा? हाँ बिल्कुल, अभी लेती हूँ। हाँ रुको रुको, चलो अब हम सेल्फी लेते हैं। ओके। सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जरूरी है क्या? सनम, गुलिस, इसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं आती हूँ। ठीक है। बैठो। क्या कल हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी, कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो। एक मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? आप जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी, मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे, मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ हो गया, शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। एक मिनट, प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ हाँ, पूछिए ना। तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो।
तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना? सनम, तुमसे कुछ पूछना है। कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं, तुम वहाँ पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है, तुम वहाँ से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम, थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। वैसे क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। सनम, तुम्हें कुछ मिला? नहीं, अभी प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ है, लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तैयार होते ही मेरे पास ले आना। ठीक है। सिस्टम बंद पड़ गया है। क्या हुआ? हमारे मोबाइल भी बंद पड़ गए। जेजे अभी कॉल करो। ठीक है। और तुम सनम? हाँ तुम सनम, तुम भी कॉल करो। ये कोई वक्त नहीं है बर्बाद करने का। तुम आर्काइव में जाकर एयरलाइन कंपनीज के सारे फाइल्स ले आओ, जल्दी जाओ। ओके मैम, काम हो जाएगा आपका, डोंट वरी, चलेगा। मुझे मेरा नाम पसंद है। ठीक है। तुम लोगों ने सारे सिस्टम एक साथ कनेक्ट कर दिए, जिस वजह से लोड बढ़ गया और सारा सिस्टम बंद पड़ गया। पता नहीं तुम लोग कब सीखोगे। मेवकिबे, हेलो मेरी प्यारी मेवकिबे। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर रही? इतनी सी बात के लिए? उन्होंने कुछ बात की क्या? नहीं, वो बात ही नहीं कर रही है। डैड, मैंने दुकान की फाइनेंशियल हालत देखी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। फाइनेंशियल सिचुएशन? ये तो ग्रोसरी की दुकान है, दिखाओ मुझे। मामूली बात हो या नहीं हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सनीम ने गड़बड़ कर रखी है, उधारी उधारी सब कुछ फ्री में दे रखा है। नहीं, वो कोई गैर जिम्मेदार नहीं है, समझी? वो तुम्हारी बहन है और वो यहाँ पर मेहनत करती है। अरे डैड, डैड सुनिए, जरा मेरी बात तो सुनिए। आपको होलसेलर के बहुत सारे पैसे चुकाने हैं, 40,000, और आपने इस पर क्रॉस कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा बताइए? वो तो मैंने चुका दिया है। कब का चुका दिया? अब हम पर कोई भी कर्ज नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ सुनो, मैं 5 मिनट के लिए ना बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ पर ये सब चीजों का ध्यान रख लेना, ठीक है? मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है डैडी। मैं भी कहाँ फंस गई। हे जे, मेरी कॉफी कहाँ? ये रही तुम्हारी कॉफी। और मेरी वीकली प्रोग्राम? वो भी रेडी है। और वो दूसरी वाली? वो भी यही है। हाँ मिस्टर डेरेन, आपने जो फाइल मांगी थी उन्हें मैं जमा कर रही हूँ। तो ग्राफिक्स आ गए हैं क्या? ये क्या है, ये तुमने हाथ से बनाया है क्या? दरअसल वो सिस्टम बंद पड़ गया था, तो इसलिए हमने हाथों से बनाया ये सब कुछ, और इससे अच्छा हम बना भी नहीं सकते। अच्छा, तो अब हम स्टोन एज में आ गए हैं, है ना? ये सारी ड्रॉइंग्स देखो, जैसे कि किसी बच्चे ने बनाई हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो जेजे। है जेजे, हाँ कहिए। तुम जाकर क्रिएटर्स को मीटिंग रूम में भेजो, और तुम, तुम्हारा जो भी नाम है फाइल्स लेकर मेरे डेस्क पे। सनम नाम है मेरा, और सनम। ये, मैं भी लेता हूँ। भाई ये है क्या? हो क्या रहा है? कंप्यूटर्स फिर से काम नहीं कर रहे? तुम कंपनी में क्या तोड़फोड़ मचा रहे हो? हाँ कंप्यूटर्स चेक किए जाएंगे, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई एलिन को ईमेल कर रहा है या फिर नहीं।
क्या ये सही वक्त है ये सब करने का? एयरलाइन कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा करना है, तुम ये बात जानते हुए भी ऐसी हरकत कर रहे हो? हाँ, तुम अपने काम से काम रखो एमिर, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। शायद आसान है। मैं तुम्हारे भरोसे दुकान छोड़ जाता हूँ और तुम कुछ नहीं करते, तुम सिर्फ घूमते रहते हो। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे, कुछ भी सही नहीं है। ये डिलीवरी आज आई है और सामान यहीं पड़ा है, आलसी कहीं के सिर्फ पैसे मांगना याद रहता है। पहले काम करो फिर पैसे मांगा करो, तुम समझ में आ रही है मेरी बात? जाओ और ये काम करके फिनिश करो। एक काम करते नहीं हो और पैसे चाहिए होते हैं तुम्हें। ठीक से सारा काम किया करो, उसके बाद बात करो तुम। नमस्ते, आप कैसे हैं? हेलो, बताइए क्या काम है? थैंक यू, मैं हलील से मिलने आया हूँ। वो कहाँ पर है? मुझे कुछ जरूरी काम था। नहीं वो तो नहीं है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अच्छा, मुझे हलील को कुछ पैसे देने हैं। मैं निहात हूँ, एक ग्रोसर। मुझे कुछ और दिनों का वक्त चाहिए, दरअसल मैं बैंक की रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। हम पेमेंट्स की डेट्स नहीं बदल सकते, ये करना पॉसिबल नहीं है। आपके लिए हमने कई बार किया हुआ है ऐसा। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए मनी ब्रोकर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो मनी ब्रोकर? मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। हैव अ गुड डे। ठीक है, थैंक यू। मैं तुम्हें बता नहीं सकी, लेकिन मैंने टेबल तो देखा था, उस पर कोई धूल नहीं थी और तो कॉफी टेबल भी बिल्कुल साफ था। मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरा तो बात मानो, मेरा यकीन करो तुम। मिलाहत, मिलकर अच्छा लगा, चलो बाद में बात करते हैं। बाय। हाय डियर। देखो मिलाहत, अब जल्दी से बताओ कि वो मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। नॉनसेंस, कोई खास बात नहीं थी, गॉसिप। ओह, मुझे गॉसिप करना बिल्कुल पसंद नहीं, कोई फोर्स मत करो मुझे, प्लीज जाने दो। मिलाहत, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जल्दी से बताओ। वो टॉपिक था जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा केयर करती हूँ, उसके बारे में है। ओह, तुम ध्यान मत दो, भूल जाओ उसे, ये सब तो चलता रहता है। तुम अपना काम करो, मुझे भी बहुत सारे काम है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, जाओ यहाँ से। क्या बात है? मुझे नहीं पता, जल्दी बताओ क्या। मैंने है? बोला ना नहीं पता। मैंने कहा ना जल्दी बताओ। ठीक है, वो कह रही थी कि तुम एक लापरवाह औरत हो और तुम्हारी बेटी के बारे में भी बोल रही थी। तुम अपना घर बहुत गंदा रखती हो, पिछली बार जब वो तुम्हारे घर आई थी तुमने धूल जमी हुई प्लेट्स में सर्व किया था, और वो कह रही थी तुम अपने घर की सफाई कभी नहीं करती। उसे अजीब लग रहा था कि तुम इतनी लापरवाह हो, और फिर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कैसे रहता है, तुम बहुत ही गंदी हो, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, ऐसी वैसी बातें कर रही थी वो। और मुझे ये सब बातें करना पसंद नहीं है, अब यहाँ से जाओ। तुम भी अपना काम करो और मुझे भी मेरा काम करने दो प्लीज। मैं लापरवाह हूँ सच में, मैं इस पूरे शहर की सबसे साफ सुथरी औरत हूँ, हर कोई मेरे बारे में जानता है, और उसकी ये मजाल कि उसने मुझे लापरवाह कहा। तुम इन बातों को इतना सीरियसली मत लो, मत ध्यान दो तुम, मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ, उसकी तो आदत है गॉसिप करने की, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसी नहीं हो, तुम इसको इतना सीरियसली मत लो। कंप्यूटर्स को चेक करने का ऑर्डर दिया मेरे भाई ने, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। काम डाउन हनी, तुमने मुझे कैंपिंग के बारे में अब तक कुछ नहीं भेजा है, हमारे ईमेल्स का कोई सुराग नहीं है। वो अभी तक उस पर काम कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम तक कैसे पहुंचा। जिसे पैसे दिए हैं वो हमारी मदद कर रही है ना? कोशिश तो कर रही है वो। कम इन, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सनम, मेरा भाई जल्दी मीटिंग स्टार्ट करने वाला है, तुम भी वहां जाना और देखना। डेरेन प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेगी, तुम बाद में आकर मुझे सब बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है, पर एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मैंने आपकी मिस्टर जान के साथ वाली बात सुनी थी, सबोर्डिनेट मतलब क्या है? बैठो। अच्छा, मेरा भाई इस कंपनी को बेचकर जाना चाहता है, चाहे हमारी कंपनी बंद हो जाए या स्टाफ को कहीं और जाना पड़े, लेकिन मैं इसे सॉल्व करके रहूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मेरे डैड ने मेरी बरसों की मेहनत को नजरअंदाज कर दिया और मेरे बजाय मेरे भाई को कंपनी की जिम्मेदारी दे दी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए सनम, मेरे डैड को उस पर भरोसा है क्योंकि वो अभी उसकी असलियत नहीं जानते हैं।
सनम, हमारी कंपनी के लिए बेहतर यही होगा कि हम मेरे भाई को कोई भी नया प्रोजेक्ट लेने ना दें, किसी भी कीमत पे। अच्छा, अगर मिस्टर जान को कंपनी बेचनी है तो वो नए प्रोजेक्ट्स क्यों लेंगे? वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ जाए। वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा ही कुछ महीनों तक करता रहेगा, उसके बाद कंपनी को कंगाल करके चला जाएगा। वैसे भी मैं स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें फिलहाल स्टेबल रहना होगा और हमें उसे कोई भी नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने से रोकना होगा। हाँ, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। वैसे भी मुझ पर आपका कर्ज है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैं भी। मेरी दीदी का क्या, वो बहुत सॉरी फील कर रही है। मैं वादा करता हूँ वो जरूर वापस आएगी, मैं उसे वापस ला के रहूंगा। थैंक यू सो मच। अब सनम, तुम अभी मीटिंग में जाओ और उसके बाद आकर मुझे सब कुछ बताना। हाँ, चिंता मत कीजिए। ठीक है। Excuse me, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? थोड़ा साइड हटो। क्या तुम पीछे जाओगी प्लीज, मुझे आगे जाना है। मुझे बस ये जानना है कि ऐसी क्या खास चीज है जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ हो। हाँ, और तुम एक मिनट बाहर आओगे प्लीज? ठीक है, देख लो। चलो अब बाहर जाने का भी रास्ता दो। तुम लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? क्या हुआ? क्या हम वहां चल सकते हैं? अच्छा सुनो, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। क्या कहा? मेरे लिए इंटरनेट की साइट बहुत जरूरी है और अगर ये वर्कआउट हो गया ना तो मैं तुम्हारे सारे काम को अच्छे से मैनेज कर लूंगी, आई प्रॉमिस। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की गिनती भूल गया हूँ मैं। क्या मतलब क्या करूँ, मैंने सोशल मीडिया में इतने सारे जॉब्स अप्लाई किए हैं और तुम्हें मेरी क्रिएटिविटी की थोड़ी सी भी कदर नहीं है? अच्छा, तो तुम फिर से जॉबलेस हो गई हो ना? इसे जॉबलेस नहीं कहते, मुझे अलग अलग फील्ड्स में बहुत इंटरेस्ट है, तुम समझ रहे हो ना? जैसे कि ये इंटरनेट साइट, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे और मैं पैसे कमाऊंगी, और ये एड्स और सब कुछ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। तुम सुन। हाय लीला, कैसी हो? हाय उस्मान। क्या हुआ, तुमने यहाँ आना बंद कर दिया आजकल? मैं वीगन बन गई हूँ, मैंने मीट खाना छोड़ दिया है। वीगन बन गए मगर क्यों? लगता है अब इसका दिमाग भी घास फूस खाने लगा है, क्या बोलते हो भाई? हाउ फनी। See you, Osman. मैं बुचर और वो एक वेगन, क्या होगा? Congratulations भाई, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो, और तुम यहाँ खड़े खड़े इतने दूर तक सोचने लगे, और उसे देखो, उसने तो तुम्हें भाव तक नहीं दिया। क्या? ऐसे कुछ नहीं, तुम मुझे पैसे दे रहे हो ना? आखिरी बार दे रहा हूँ, समझी? हाँ हाँ, दे दो, लाओ। थैंक यू सो मच भाई, मेरे हैंडसम ब्रदर। सनम, क्या हुआ तुम्हें? मिस्टर जान, हाँ ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं बस वो मीटिंग मिस नहीं करना चाहती थी। हाँ, वैसे कंपनी मीटिंग है, जनरल मीटिंग नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। रियली? हाँ।
अच्छा तो फिर मुझे जाना चाहिए। तुम श्योर हो ना सब ठीक है? ठीक है ठीक है, थैंक यू। इसमें चाय मेरे लिए है क्या? वैसे तुम पियोगी इसे? नहीं आप ले लीजिए, थैंक यू। कुछ नहीं सब ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है तो फिर मैं शुरू करूं? अब मैं क्या करूंगी? वेलकम ऑन बोर्ड, प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो सीट के ऊपर वाले बटन को दबाएं, ऑक्सीजन कंपार्टमेंट अपने आप खुल जाएंगे। इसमें कुल 8 इमरजेंसी एग्जिट गेट हैं। गुलिस, गुलिस, हम समझ गए, अब तुम जा सकती हो। मैं दरवाजा खोल देता हूँ, आ जाओ। गाइस ये क्या हो रहा है, क्या था ये? हाँ मतलब हम वार्निंग अनाउंसमेंट कर रहे हैं और हम सेफ्टी पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? एक प्लेन है, क्रैश हो सकता है, और हमें अपने कस्टमर्स को प्लेन की सेफ्टी से ज्यादा लग्जरी के बारे में बताना चाहिए। कस्टमर को ऐसी ऐड चाहिए। डेरेन हम बाद में बात करेंगे, ओके? और ये बताओ कि पूरी टीम ने मिलकर ये काम किया है? बहुत ज्यादा बोरिंग है ये, बिल्कुल बकवास। कुछ और है हमारे पास दिखाने के लिए? चलो बताओ मुझे। हाँ है ना, दिखाता हूँ। एक्चुअली हमारे पास दिखाने के लिए एक अल्टरनेटिव है जो कि हम दिखा सकते हैं। हम एक इल्यूजन बनाएंगे हथेली में आईफिल टावर, पिरामिड्स, लंदन ब्रिज, और हमारा प्लान होगा और स्लोगन होगा डी वर्ल्ड इन योर पाम। हाँ ये अच्छा है, इस पे काम करो। लेकिन अभी तक ये काम रफ है, फिर हमें इसका मॉडल बनाना होगा और फिर आगे के बारे में सोचेंगे। डेरेन वो काम मेरा है, ठीक है? ये किसी को भी मत दिखाना और जल्दी से मेरे कैबिन में भेजो, मैं देख लूंगा क्या क्या करना है। Come in. अब तुम्हारे सिर को क्या हुआ? कुछ खास नहीं, वो मैं मीटिंग में नहीं जा पाई इसलिए मेरे पास आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सॉरी। मैंने तुमसे वहाँ जाने को कहा था, तुम गई क्यों नहीं सने? मिस्टर एमरे मैं वैसे भी एक छोटी सी एम्प्लॉई हूँ, मुझे क्रिएटिव मीटिंग का क्या समझ आएगा, और मिस्टर जॉन ने मुझे मीटिंग में आने भी नहीं दिया। मैं प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। भाई तुम क्यों जा रहे हो, किसी और को भेज दो। नहीं मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और वैसे भी कल सुबह तक हमें ये फिनिश करना है। लेकिन आप सुबह तक वहाँ पर क्या करोगे? सनम को साथ ले जाओ, इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ही अच्छी है भाई। ओके तो चलो मेरे साथ, लेट्स गो। लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं आती हूँ। जैसा तुम कहो। मिस्टर एमरे मैं प्रिंटिंग नहीं जानती, मैं वहाँ क्या करूँगी? देखो तुम बस भाई के साथ जाओ और मुझे फोटोज भेजती रहो, समझ गई? पता नहीं कैसे करूँगी। कहाँ जा रही हो? कार पार्किंग में। ये क्या है? मोटरसाइकिल है मेरी, क्यों कोई ऑब्जेक्शन है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन क्यों होगा? ओके जंप जंप, ओके। क्या कहा? मैंने कहा होल्ड ऑन टाइटली। ठीक है। मुझे डर लग रहा है।
तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे नहीं, तो मुझे डर नहीं लग रहा। सनम, हाँ बोलिए ना। हम पहुंच गए, वैसे और राइड कर सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। आज मेरी जान चली जाती तो? आप मेरी जान लेना चाहते हो? कल रात में इतनी डरावनी थी, आप एक काम क्यों नहीं करते? मैं ना यहाँ लेट जाती हूँ और आप ना मोटर बाइक मुझ पर चला देना, फिर दोनों के लिए सब सही हो जाएगा। ये निकल क्यों नहीं रहा? मैं निकाल देता हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं निकाल देता हूं। बच्चों जैसे बिहेव मत करो। एनीवे ये निकल गया। एनीवे क्या क्या कहना चाहते हैं आप? एनीवे एनीवे कहकर आप क्या जताना चाहते हैं कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती है ना? मुझे मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया है। तो फिर अंदर जाओ और अपना काम पूरा करो। पोस्टर्स का क्या हुआ वहां पर? मैंने उनसे बात की थी, वो जल्द ही रेडी होकर आ जाएंगे। अच्छा, थैंक यू स्मार्ट। जान जान, क्या बात है, कैसे हो तुम? मैं बढ़िया, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हेलो हेलो, आई एम सनम। मैं आकिफ, नाइस टू मीट यू। मुझे भी खुशी हुई। अंदर आओ, क्या पियोगे तुम लोग बताओ? हम दोनों चाय पियेंगे। मुझे नहीं चाहिए। पक्का? इसे चाय नहीं पीनी, मुझे एक ग्लास चाहिए। आइए चलिए अंदर आइए। तो क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है, तुम सुनाओ। चलो अंदर चलो, आओ तुम वो चेक कर लेना। अरे मैं अभी अभी तो आया था। और सुनाओ, तुम कब आए वापस वहां से? अरे ठीक है, अब तो आ गया ना। तो तुमने फोन क्यों नहीं कर दिया? देखा कैसे रिप्लाई करता है ये, हमेशा से ऐसा ही है ये। हाँ थैंक यू। हम स्कूल मेट्स हैं, उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मैं मैटिन जैन, हम लोग हमेशा एक साथ रहते थे, बहुत मजे करते थे। हमारे स्कूल का ये जो लड़का है ना, सबसे क्रेजी लड़का, बिल्कुल क्रेजी। वो मैंने आपसे कहा कि मुझे चाय नहीं चाहिए, पर मुझे चाय बेहद पसंद है। एंजॉय करिए। ये क्रेजी नहीं होता ना तो आज मैं सड़क पर होता, यू नो, इसकी वजह से यहाँ हूँ मैं आज। आकिफ। अच्छा ठीक है, चुप हो जाता हूँ मैं। और तुम लोग बताओ, फ्यूचर में शादी वादी का प्लान है? Well, मेरे कोई प्लान्स नहीं है, मुझे फ्यूचर प्लान्स करना अच्छा नहीं लगता। शायद देखेंगे। रियली? मैंने रिंग देखी थी तुम्हारी और तुम दोनों साथ आए, तो मैंने सोचा कि शायद। ओह कम ऑन सनम, हमारे यहाँ काम करती है आकिफ, और हम यहाँ प्रिंटिंग के काम से आए हैं। अच्छा तो तुम अपने काम से आए, मुझसे मिलने नहीं आए हो? वो मैं बाद में करूंगा। अच्छा ये बात है, लेकिन सब मशीनों में प्रिंटिंग चल रही है और हम उसको बंद नहीं कर सकते। आकिफ तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे हर हाल में सुबह चाहिए, मैं रात भर इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो, मैं एक घंटे बाद तुम्हारा सारा काम देख लूंगा। ओके ऑलराइट। सनम, मेरी पूरी जिंदगी में मुझे सिर्फ एक इंसान से जलन हुई है और वो ये है। हम सब सेटल हो गए और ये एडवेंचर किए जा रहा है, पूरी दुनिया घूम रहा है एक खुले परिंदे की तरह, एशिया अमेरिका अफ्रीका हर जगह देख ली इसने और हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अल्बाट्रोस। आर यू फाइन? चलो थोड़ी वॉक करते हैं, आ जाओ चलो, कम ऑन गेट अप। ओके चलो। ओके ओके, हाँ बाद में मिलते हैं ना, बाय। मुझे तुम्हारी माँ की खामोशी से बहुत डर लगता है। मुझे भी डैड, शायद उन्होंने हमें मिस किया हो, हमसे बात कर ले अब्बू। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आ, आ, आ।
लैला, ये क्या हो रहा है लैला? मुझे कुछ नहीं मालूम, इतने सारे फॉर्म कैसे? कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? मैं में अरे मैं तुम्हें क्या हो गया? अरे क्या हुआ मॉम, आपको क्या हो गया है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये तुम्हारा सफाई का ऑब्सेशन किसी दिन मुझे मार देगा। पकड़ो इसे, ए बेटी जल्दी आओ, अपनी माँ का हाथ पकड़ो, चलो हम इसे बालकनी में ले चलते हैं। हाथ पकड़ो पकड़ो मेरी प्यारी बीवी, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, चलो चलो आराम से संभाल के संभाल के। अरे क्या कर रही हो, छोड़ो। अरे ये क्या कर रही हो, बस करो बस करो, चलो 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 संभाल के आराम से, पता नहीं क्या करती हो। अरे आपके पास वो मोटर बाइक कब से है? हमेशा से ही थी। तुम्हें भूख लगी? अरे हाँ बहुत ज्यादा। आप हंस क्यों रहे हैं? इस्तांबुल की औरतों को भूख नहीं लगती और वो कभी चाय भी नहीं पीती हैं। वो चाय नहीं पीती? कौन है वो लड़कियां जो चाय नहीं पीती? Come on. समंदर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sınırda günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la. ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या? अनफॉर्चुनेटली हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अरे नहीं, बैड लक। तो अब हम क्या करेंगे? वैसे इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह क्या है? अभी तो नहीं होगा, तुम चाहो तो कहीं और जा सकते हो। अब रात के इस वक्त मैं कहां पर जाऊंगा? हाँ जान, मैं समझ रहा हूं प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी एनग्रेविंग प्रिंटिंग मशीन काम करती है? हाँ मशीन तो है, पर वो काम कर रही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। वो मैं देख लूंगा, मशीन कहाँ है? अरे यार वो पुरानी है, तुम समझ ही नहीं पा रहे। अरे मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम ये तो बताओ मशीन कहाँ पर है? देख लेते हैं। इतने कैंडल्स काफी हैं या और चाहिए तुम्हें? नहीं इतनी कैंडल्स काफी है, और यहाँ तो एक लैंप भी है। हाँ? तुम्हें अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। वैसे अच्छा क्या लगा? ये कितनी पुरानी है। तुम्हारे पास कॉपर शीट्स हैं? हाँ है, दे रहा हूं रुको।
ये लो, पर ये काम करेगी नहीं मालूम नहीं। काम करेगी, तुम बस मेरे लिए इंक और सॉफ्ट टिश्यू लेकर आओ, ठीक है? ओके। मॉम, आपने इतना ज्यादा खाना क्यों बना दिया? मैं बना रही थी ना, मैं कुकिंग के बारे में कुछ नहीं जानती। ऑल राइट, मैं और मसाले डाल देती हूँ। तुम बात तो करोगी ना? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। ओ जरा वहां देखो, ओ ये औरत कभी भी अपना ख्याल नहीं रखती है। डैड, मॉम कह रही है औरत घर की सफाई करे, कुकिंग करे और बाहर जाकर काम भी करती है और उन्हें चार्मिंग भी दिखना पड़ता है कि नहीं? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? चेक करती हूँ। हाँ मैं बिल्कुल सही समझी, और वो कह रही है कि उसने अपनी लाइफ उस आदमी के लिए कुर्बान कर दी। मॉम आपको अगर और कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करूँ क्या? हाँ बढ़िया होगा, मैं चलता हूँ। हाँ तुम जाओ, जाकर सो जाओ। ओ डैड, मॉम बोली। मॉम आप बोल गई? डैड आपने सुना? अरे वाह, ये बोलने लगी मॉम हेल्प में। यहाँ कुछ भी वेल नहीं है मिस्टर नेहा, कुछ भी वेल नहीं है। तुम जाकर सो जाओ और अपने ब्यूटीफुल ड्रीम्स देखो। मैं अपनी फैमिली और अपने घर का ख्याल रख सकती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ कि मुझे अपना ख्याल रखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तुम जाओ और कोई अच्छी सी ख्याल रखने वाली के सपने देखो। मुझे लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए। ओके गुड नाइट डैड। आप सिर्फ टीवी देख रही थी और टीवी देखते ही देखते डिवोर्स के लिए रेडी हो गई? तुम हम दोनों के बीच में बिल्कुल मत पड़ो। सनम कहाँ है? वो काम पर गई है। आखिर वो तुमसे ज्यादा काम कैसे कर सकती है, मैं समझ ही नहीं पा रही। मॉम क्योंकि उसका काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए उसे ज्यादा काम करना पड़ता है, समझिए आप। मुझे अपना काम अच्छे से करना आता है, उसकी तरह नहीं हूँ मैं। कमान कमान, अब अच्छे से करो। ठीक है, थोड़ा अच्छे से करो। ओह क्या बात है, तुमने आखिर इसको कर दिया। अच्छा तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जरा इलेक्ट्रिसिटी चेक करके आता हूँ। वेल डन, बहुत अच्छे। वेल डन टू यू टू। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? वो 40th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन कार्ड में से एक कार्ड मैं ले सकती हूँ? कहाँ? हाँ ले सकती हो, तुमने नोटिस भी कर लिया। वो फेमस एल्बेट्रॉस वाली रात थी। आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम हमेशा से ऐसी ही हो? कैसी? जैसी अभी हो। हाँ तो क्या तुम बता सकती हो कि एल्बेट्रॉस कौन था? मुझे नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ, गुस्से में क्यों? कुछ नहीं हुआ, वो मेरे फियांसे ने मैसेज किया है, उसे फिक्र हो रही है।
हाँ लेट तो काफी हो चुका है, तुम्हें घर जाना चाहिए। पर मैं अभी रुक सकती हूँ, हमें काम खत्म करना है। सनम तुम्हें अब घर जाना चाहिए। हाँ पर मुझे कोई एतराज नहीं है, वो मुझे आपकी हेल्प करनी है। सनम तुम्हें घर जाना चाहिए और रात बहुत हो चुकी है और मुझे हेल्प भी नहीं चाहिए, तो तुम चली जाओ। ऑल राइट, ठीक है, जैसा आप कहे। मैं उधर जाकर चेक करता हूँ। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। सनम ने फोटोज भेज दी, बहुत ही अच्छा काम कर रही है वो, मैं तो चौंक गया हूं। तुम आजकल उसकी कुछ ज्यादा ही बातें करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो वो बस हमारे लिए काम करती है और कुछ भी नहीं। मैं भी वही काम करती थी। ओह, तुम्हारे भाई ने इस पे ग्रावर प्रिंटिंग की है, पर किस लिए? देखो एलन, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कॉपी मत करना, अपने तरीके से चेंजेस करना उसमें, समझ गई? डोंट वरी, और वैसे भी कुछ खास नहीं लग रहा, शायद ये डेरिन का आइडिया होगा। जान ऐसा सोच ही नहीं सकता, ये उसका आइडिया नहीं है। क्या तुम इसे कल सुबह तक कंप्लीट कर पाओगी? वेल, मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अपना बेस्ट जरूर दूंगी। मेरा प्रेजेंटेशन तुम्हारे भाई से पहले है। देखो हनी, हम बिजनेस को बढ़ाते हैं और एक परफेक्ट टीम तैयार करते हैं। अगर हमें ये एयरलाइन का प्रोजेक्ट मिल जाता है तो फिर बहुत पैसा आएगा, हम खुद अपनी टीम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और सनम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें सनम से जलन हो रही है? हाँ ठीक है। मॉम, आप इतनी रात तक क्यों काम कर रही है? और वैसे भी ये सिंथेटिक है, इसे प्रेस मत करो। इसमें बहुत रिंकल्स थे तो मैंने सोचा आयन कर दूं। कोई हमारे घर के बारे में कमेंट करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, थैंक गॉड आप बात कर रही हो। आप मुझसे नाराज हो गई थी ना, मैंने स्टूपिड बात की थी। देखो इस वक्त मैं कुछ और ही सोच रही हूँ बेटा, और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा समय तक नाराज कैसे रह सकती हूँ? मैं नाराज नहीं हूँ। सनम, मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, मेरे चेहरे में कोई खराबी है क्या? हाँ वो लोग मुझे क्रेजी बुलाते हैं, पर मुझे पता है सबसे क्रेजी कौन है। कौन कहता है तुम क्रेजी हो? कोई नहीं मॉम, कोई नहीं, डोंट वरी, मेरे दोस्त मजाक करते हैं। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। सब कुछ साफ होना चाहिए, पर कैसे होगा ये सब? मैं अकेली क्या क्या करूंगी? गुड नाइट।
क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछूं? मैं भी उस रात वहीं पर था और मैं भी बियर्ड रखता हूं, तो मेरा नाम भी इस लिस्ट में होना चाहिए ना? जरा चेक करता हूं अपना नाम। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अल्बर्ट रॉस कौन है? मुझे नहीं पता। आकिफ, मैं वहां पर आ रहा हूं और जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा था तुम उसे फेंक दो, मैं दूसरा बनाऊंगा। क्या चाहिए? वो लोग सुन लेंगे, चुप रहो। जरा मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, कहाँ गई थी तुम मिस्टर जॉन के साथ? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अपने आप को मेरी बॉस समझती हो या फिर मैनेजर? हाँ, अपने आप को देखो जरा। सनी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम क्या सिर्फ दो दिन में बॉस का राइट हैंड बन गई हो? हाँ, शायद बन गई हूँ या फिर नहीं। तुम्हें उससे क्या जलन हो रही है? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ सनम, तुम्हारे सारे इरादे मुझे समझ में आ रहे हैं। तुम पागल हो गई हो यू वीगन, तुम्हारे दिमाग को मीट की जरूरत है, मीट खाओ। I am sick of you। मैं भी तुम्हारी कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ। I don't adore you। My God। सुबह सुबह इस वक्त मेरा दिमाग मत खाओ, समझी? चिल्लाओ मत। कैसे हो भाई? कैसी हो तुम? वैसे एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, मेरी इंटरनेट साइट रेडी हो गई है, ihanish.com। कैसा है? ihanish.com? मजा नहीं आया, थोड़ी और क्रिएटिविटी चाहिए। मुझे मेरे नाम पे ही वेबसाइट चाहिए, वैसे भी मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें एक्सप्रेस करना पसंद है, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और खुद को किस तरह से डेवलप करना है। तुम समझ रहे हो ना? मतलब मेरे 500 दिन गए पानी में। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। चलो तुम अपनी चाय पियो, मैं जाकर योगा करती हूँ। योगा क्यों? ये एक्सप्रेशंस देखने लायक है। तुम चौंक गए ना, मैं बस यही देखना चाहती थी। अपने आप को डिस्कवर कर रही हूँ, मैं खुद की पर्सनालिटी को और डेवलप कर रही हूँ। अच्छी बात है ना? मुझे फॉलो जरूर करना, ihanish.com। आयान, तुम क्या कर रही हो? मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ और तुम यहाँ आ गई, मुझे ठीक से योगा भी नहीं करने दे रही हो। योगी बनना है? वो क्या होता है? मुझे हंसाओ मत, वरना मैं योगा नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मैं जिस पोज में हूँ तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो। देखो ये मेरे हाथ चेयर जैसे बिल्कुल हवा में। यस, रियली चेयर जैसे ही। तुम यहाँ क्या कर रही हो बता, बोलो ना। मत पूछो यार, हमेशा की तरह मेरी मेरे बहन से फिर से बहस हो गई। बहुत सिंपल है, सब यूनिवर्स पर छोड़ दो। मुझे कुछ समझ नहीं आता, हम दोनों के पेरेंट्स सेम कैसे हो सकते हैं? मुझे देखो, मैंने 4 साल की उम्र में बोलना सीखा और मेरी दीदी वो तो एकदम परफेक्ट है, मतलब वो सब कुछ एकदम सही तरीके से करना जानती है। और एक मैं, हम खुद के टेंशन के शिकार है, इसीलिए तुम जैसी हो वैसी हो, एक्सेप्ट कर। तुम्हें पता है कि मुझे बहुत बार ऐसा अजीब सा सपना आता है जिसमें मेरे पेरेंट्स और लैला मुझे एक सच बताते हैं कि लैला को उन्होंने अडॉप्ट किया है, वो मेरी रियल दीदी नहीं है। अगर ये सच हो तो सोचो
कितना अच्छा होगा। सनम सुनो, इधर आ, मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करती? मुझे इस पोजीशन में अपने टोज टच करना है। स्लो डाउन एहान, लंबी सांस लो, गहरी सांस, तुम कर सकती हो। तो मुझे अपने ऑफिस के लोगों के बारे में क्यों नहीं बताती? मैं चीजें जानने के लिए बेचैन हो रही हूँ। हम जब उनके बारे में सोचते हैं तो इंटरनेट पर उनकी फोटोज देखते हैं, है ना? ठीक है, ये देखो, ये है जे जे। ये बहुत अच्छा बंदा है, थोड़ा सा स्ट्रेंज भी है। और वो है गुलिस, कंपनी के बारे में ये सब कुछ जानती है, जैसे कि ये एक फॉर्चून टेलर है। वो तो है। ये ब्यूटीफुल लेडी मिस डेरन है, ब्यूटीफुल गर्ल है, लगता है वो पिलाटिस कर रही है। अगर योगा करती तो ज्यादा पीसफुल होती। एग्जैक्टली। और वो मिस्टर एमरे है। ये तो रियल डंडी बॉय है। और वो मिस्टर जान। वाओ, यस, ये फोटोशॉप वाली फोटो है क्या? क्योंकि ब्रैड पिट तो शर्मा जाएगा, ये बहुत हैंडसम लग रहा है ना? हाँ वो तो है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम। पता नहीं ये सारे हैंडसम इतने मीन क्यों होते हैं, और पता नहीं इसने शर्ट क्यों उतारी है, बाकी सब ने तो कपड़े पहने हैं। ये तुम्हारी इमेजिनेशंस है, इसलिए आंसर भी तुम ही दोगी सनम। ओके ओके ठीक है। एक मिनट रुको, इसकी तो बियर्ड्स है, कहीं तुम्हारा वाला अल्बत्रस तो नहीं है सनम? नो, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी, और वैसे भी मेरे अल्बत्रस ने ब्लैक शूज पहने थे, और इसके पास जीन्स और लाइट कलर के बूट्स है, वो नहीं हो सकता। हो सकता है। एनीवे, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। जीन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो इतना हैंडसम है, इस पर स्वेट सूट्स अच्छे लगेंगे, इस पर तो सब कुछ सूट होगा सनम, है ना? अयहान, मैंने तुम्हें बताया ना, वो एक मीन इंसान है। अच्छा नहीं है वो, अपने भाई के खिलाफ प्लान करता है। यूनिवर्स में अच्छा और बुरा दोनों है, इसीलिए वो हम सब में है, तुम समझ रही हो ना? वो यहाँ हमारे अंदर है सनम, तुम चाहो तो खुद को पहचान सकती हो। आज तुम रियल गुरु बन गई हो, आज तुमसे कोई गॉसिप नहीं कर सकता। नमस्ते बहन। नमस्ते गुरु जी। ये हमारे प्रोजेक्ट का एक और विजुअल है, स्लोगन होगा द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स। बाकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। वेल डन, ब्राइट आइडिया है, लेकिन मुझे लगता है थोड़े टच की जरूरत है। आई एग्री, पर हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। हाँ, लेकिन हमें ये अर्जेंट चाहिए, टाइम नहीं है हमारे पास इन सब के लिए। आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम दीजिए, हम सिक्योरिटी इश्यू पर भी फोकस करेंगे। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन हम रियलिटी में एडवेंचर वाला प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और कंपनी इसमें इंटरेस्टेड है। हम और कंपनी के भी प्रोजेक्ट देखकर आपको कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू, हमारी मीटिंग है 10 बजे फिक्री हरिका एजेंसी के साथ। हाँ चेक करती हूँ। मिस्टर जान कहाँ है? हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। हाय डेरन, कैसे हो गाइस? जान कहाँ है? कहीं वो फिर से जंगलों में भाग तो नहीं गया ना? ओह, गुड मॉर्निंग आइलिन। गुड मॉर्निंग। लगता है तुम सच में हमारी फॉलोअर हो। हाय डेरन, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कस्टमर वेट कर रहा है। डेरन, हम ये वाला नहीं, दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे। लेट्स गो। उस तरफ। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो एलन। एमरे, तुम्हारे भाई ने एक अलग प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? अभी अभी मेरी उससे बात हुई।
क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि उसने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया नहीं, है? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। कांग्रेचुलेशंस एमरे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ गेम खेला है। एलन प्लीज काम डाउन। क्या तुम अपने भाई को जानते नहीं? तुम तो ऑफकोर्स कम्फर्टेबल रहोगे मेरी कंपनी के लिए, तो मैं सिर्फ काम कर रही हूं। एलन प्लीज शांत हो जाओ, अभी तक कस्टमर का रिप्लाई आना बाकी है। ऑलराइट, क्या कहा? मैं ओवररिएक्ट कर रही हूं? तुम्हारे भाई ने हमारा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर लाया जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। एलन इनफ। हाँ, आप सच में बहुत हो गया। अरे वाह मेरी बे, तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मिस्टर निहात, हैव अ नाइस डे। अरे ये फिर से मिस्टर निहात? ठीक है। एक किलो टमाटर, गार्लिक सॉस का एक जार और थोड़े से क्यूकम्बर प्लीज। ये सब क्या है मेरी बे? कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? आई होप आसपास खूबसूरत लेडीज देखने को मिलती होंगी। यार इसे क्या समझाऊं? वो शाइनिंग ब्लू आंखें, टाइम पास हो ही जाता होगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें ऐसी ही बातें करनी है तो अच्छा होगा हम लोग अंदर चले जाएंगे। मेरा ऑर्डर यहीं पर ले आइए। पता नहीं क्या है ये, तुम लेने नहीं चलोगी? कहा ना नहीं आऊंगी। इस औरत से तो ऊपर वाला ही बचा है। आपसे हम ऐसे ही रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं कहेंगे, यही सही रहेगा। ओ सनेहा, मैं 3 बजे तुम्हारा वेट करूंगी, लेट मत होना, क्योंकि मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है। हेलो बेटा मुजफ्फर, कैसे हो? थैंक यू सो मच, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, सब कुछ बेहतर हो ही रहा है। ऊपर वाला इस बच्चे की थोड़ी सी मदद कर दे। इन लोगों के बीच मत पड़ो, मैं कह रही हूँ। जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना तुम? कुछ और बात करते हैं। हमें अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए, मैं इसीलिए इस कंपनी में अभी तक काम कर रहा हूँ। मेरी क्रिएटिविटी सच कह रही हूँ। चल क्या रहा है? लगता है आपकी मीटिंग अच्छी रही। तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन मिस्टर जाम का फेस तो देखो। हाँ, तभी तो वो इतने कूल है। आइसोन, तुम्हारा हेयर स्टाइल तो काफी सुंदर बना है, जरा देखो। क्या पता इसे ज्यादा सुंदर लगने लगू। ओ मलहार। हाँ तुम आ रही हो ना, हम लेट हो जाएंगे। हाँ मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, तुम चलो। ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो मिलात? ऑफ कोर्स तुम्हें कैसे पता होगा बताओ। मैफकीबे ने अपने घर पर फीस्ट रखा है और पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया है, मुझे भी इनविटेशन मिला है, मैं तो जा रही हूँ। सी यू, बाय। मगे वो सारे पलंग निकाल दो और शॉप बंद करके जल्दी से आ जाओ। मिलात। हाँ मैफकीबे को कहना कि मेरे बारे में इतना गॉसिप ना करे, ठीक है? समझ गई तुम? आइसोन डियर, तुम ये क्या कह रही हो? हम तुम्हारे बारे में गॉसिप कैसे कर सकते हैं? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। वेलकम मेलाहार, प्लीज कम इन। क्या ग्राफिक डिजाइनर ने फाइल भेजी? ये रही। आपको पता है ग्राफिक डिजाइनर सेविल पर फिदा है। क्या कहा? मुझे इस ऑफिस की सारी लव स्टोरीज मालूम है, आप भी सुनेंगे मिस्टर जान? बताइए। नहीं गुलिस, मुझे नहीं सुनना। वो टेक्स्ट कहां पर है? मैं तो खुद जाना नहीं चाहती, पर क्या करूं, सब लोग आकर मुझे बता ही देते हैं। सब रूमर्स की इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पर सारी इंफॉर्मेशन मुझे आकर सब बता देते हैं और मुझे सब गुलिस, थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज? बजट देना। आपको पता है मिस डेरिन आपके हर एक फेवर के लिए रेडी है, और सनेम भी। मैं उठा देती हूँ प्लीज। थैंक यू। क्या कहा सनेम के बारे में? मैं ठीक से समझ नहीं सकी, लेकिन ये पता है कि वो एक नॉवल लिख रही है और वो बहुत अच्छी है, वो उसके दिल की बातें हैं। जैसा तुम कहो मिस्टर जान, आप सच में जेंटलमैन हो। आई मीन
मिस्टर एमरी भी जेंटलमैन है, लेकिन आप थोड़े से हटकर हैं। मेरा मतलब है कि आप एमरी, जरा प्लीज इधर आना, जरूरी काम है। गुलिस तुम जा सकती हो। थैंक यू। ठीक है। बी केयरफुल। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? कस्टमर को कोई और प्रोजेक्ट दिखा दिया, मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इमरे तुम फाइनेंस छोड़ के प्रोजेक्ट में कब से इंटरेस्ट लेने लग गए? तुम्हारे आने से पहले पापा मेरे साथ हर एक प्रोजेक्ट शेयर करते थे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? क्या हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? मुझे लगा सही नहीं था तो बदल दिया। देखो हम साथ में काम कर रहे हैं, अगर मैं फाइनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। क्या एम्बिशन है? तुम आते ही यहाँ पे टॉप की पोजीशन संभालने लगते हो। ब्रावो। जब चाहे आते हो, जब चाहे जाते हो और कहते हो कि मैं जबरदस्ती काम कर रहा हूँ। ये एयरलाइन प्रोजेक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और बेहतर होगा तुम जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, समझ गए? हाँ सच में कमाल का है। और तुम बताओ, तुम्हें खाना पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। सच में लाजवाब है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि तुम इससे भी बेहतर बना सकती हो। मिसेस फेजन, ऐसी कोई बात नहीं है। सनम ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, मैंने सुना है तुम ग्रोसरी शॉप से। ऐसी बातें आपसे कौन कहता है नॉनसेंस? पर सब तो ऐसे ही कह रहे हैं। आपसे कोई कुछ भी कहेगा आप उस पर यकीन कर लेंगी? पर हमारे मोहल्ले में तो ये बात हर तरफ फैली हुई है। लीला तुम बैठ जाओ, तुम इन गॉसिप्स पर ध्यान मत दो जरा भी, इनकी बातें मत सुनो, चुपचाप अपना खाना खाओ। मुझे यही डिटर्जेंट यूज करना है। लैवेंडर है वो, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। सफाई पसंद है ना, इसीलिए सफाई के साथ साथ घर में अच्छी खुशबू भी आती रहनी चाहिए, इसीलिए। क्या बात है, क्या पेस्ट्रीज है, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया सच में। मैं भी ऐसी पेस्ट्रीज बना लेती हूँ सच में। पर बात यह है कि कभी वो पकती नहीं है। लैला तुम्हारी मॉम कैसे सो रही है? मैफ के बे मॉम। आई सोन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो मैं मजा चखाऊंगी, तुम्हारी पिटाई करूंगी, देखना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। लगता है ये सो गई है, इसको नींद आ गई है, और लगता है ये सपने में कुछ कर रही है। तुम रुको, मैं देखती हूँ। मैं क्यों भी? क्या हो गया इसे? क्या हुआ? इसे नींद आ गई। ये तुम रखो। ये क्या कर रही है? उठो, चलो। ख्याल से रात में सोई नहीं है। उठो। क्या हुआ? मैं लगा तांती, आप ये क्या कर रही हैं हमारे साथ? मैं क्या कर रही हूँ? अच्छा, इनकी हालत तो देखो, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। एक तो इनकी तबीयत खराब है, और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रही हूँ? तुम विश्वास करो, मैं उसे ठीक कर दूंगी, जरा देखना। तो हम सब तो खा चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। कम ऑन। ओह, अभी तो आपको खाना है, और भी खाना होगा, पार्टी तो हो चुकी है। अगर आपको और खाना है तो अपने घर ले जाइए, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए चलिए, निकलिए, अपने घर जाइए। अरे खत्म करके चलते, पार्टी अब खत्म हो चुकी है, जाइए अपने घर, जाइए जाइए जाइए। चलो मैफ की बे, तुम उठ गए? आप लोग पार्टी एंजॉय करो। अलोन, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। चुप करो लैला, मुझे बात क्यों नहीं सुन रही है? उन्हें छोड़ दीजिए। तुम चुप करो, मैं लेके जा रही हूँ उन्हें। चलो मेरी मॉम को अकेले छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, मैं उनको लेके जा रही हूँ, अभी लेकर आती हूँ। जे जी और दी अदर वन, इधर आओ। ये कुछ बुक्स है जो कि यूजलेस है, इसमें सिर्फ जंक फूड्स के बारे में लिखा है। कैन को जो बुक्स चाहिए इनमें से कोई भी नहीं है, इनकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर अब तुम क्या करोगी? आई डोंट नो जेजे, तुम्हें पता है आज मैं इतनी बिजी थी कि आज पिलाटेस भी नहीं गई। आई एम सो सॉरी कि तुम पिलाटेस नहीं जा सकी, अब वो तो बहुत इम्पोर्टेंट था। जेजे तुम मेरा एक काम करो, ठीक है? तुम क्रिएटर्स के पास जाकर उनका बनाया हुआ हर एक चीज मेरे पास ले आओ, और दी अदर वन तुम्हारी हेल्प करेगी। सनम नहीं, वो यहाँ नहीं है।
सनम, मेरा नाम है सनम। और सुनो दी अदर वन, तुम आधे घंटे में फॉर्मल बुकलेट्स मेरे केबिन में लेकर आओगी, और वो भी जितनी जल्द हो सके। मैंने कहा ना आपसे मेरा नाम सनम है, समझती क्यों नहीं है आप? कितनी बार बताऊं आपको, दी अदर वन करती रहती हो आप। तुम्हारी वजह से मुझे सारे ऑफिस में इसी नाम से बुलाते हैं। मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ चलो बाहर जाओ, मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा नाराज हो गई हूँ। चलो निकलो जाओ, मैंने कहा आउट। मैं वैसे भी बाहर ही हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। छोड़ो अब चलो, बहुत हो गई है यार, बस बहुत हो चुका अब। क्या कर रही हूँ, इतनी सी बात पर कोई नाराज होता है क्या? सिर्फ वही तो बोलती है। हाँ रुकिए, ये तुम्हारे लिए दी अदर वन फाइल्स। दी अदर वन को तुम्हारा घर चला देना चाहिए। उसे ऐसे मत बुलाओ, उसका नाम सैनम है, कॉल हर सैनम। कम ऑन मैफकिबे, चलो तुम भी एक बना दो, चलो। नहीं मुझमें और काम करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कम ऑन कम ऑन, एक तो बनाओ, तुम्हें मजा आएगा। तुम सच में चाहती हो मैं बनाऊं? ठीक है तो फिर डू इट हो जाएगा आराम से। आई सोन कम माई डियर, आओ आओ तुम भी आओ, बैठ जाओ हमारे साथ, आ जाओ आ जाओ, देखो हम क्या कर रहे हैं, आओ यहाँ पे बैठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लहात, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाई, अगर मुझे पता होता कि तुम भी आ रही हो तो मैं कभी नहीं आती, सच में। मैं उसे अपने साथ काम करने के लिए लेकर आई हूँ, कम ऑन। नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं है, नहीं करना। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही करूंगी, क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसीलिए। ओ तुम कितनी अच्छी हो, चलो तुम्हें ये करके मजा आएगा, कोशिश तो करो, मजा आएगा तुम्हें। ये लो बन गया। हाँ ठीक है। इसे बनाना भी नहीं आता, देखो तो कैसे बना रही है। मैं लहा एक बात पूछूं, क्या ये पत्ते मैफकी में लाई है? वो हमेशा खराब पत्ते ही लाती है, और उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल नहीं, और मैं बिल्कुल ताजी पत्तियां लाती हूँ, समझ गई तुम? तुम कौन से मसाले यूज करती हो? देखो ये पूरा जला दिया है, चावल भी ठीक से पके नहीं हुए हैं। मैं तुमसे बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, जो भी मेरा बनाया हुआ खाना खाता है उसकी तारीफ के बिना नहीं रहता। तुम्हारे बेकार खाने की तारीफ कोई नहीं करता है सिवाय मेरे बेवकूफ बेटे के, समझ गई? लेकिन सनम को तुम्हारे खाने से नफरत है, वो कभी नहीं खाएगी, वो मेरी बेटी है और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूं। मेरे खाने से नफरत, इसका मतलब वो मेरे खाने को बहुत मिस करेगी। और एक बात बता दूं, मैं अपने पड़ोसियों के लिए आजकल खाना बनाने लगी। अच्छा हाँ हाँ यही बात सच है, हाँ इसका मतलब मैं आजकल इंडिपेंडेंट वुमन हो गई हूँ और मैं ही अपनी मर्जी की मालिक हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या हम अब तक कुकिंग की बात हाँ, कर रहे हैं? बिल्कुल, हम तो कुकिंग, हाँ, की, बात कुकिंग की बात कर रहे हैं। अब उन्हें पता चलेगा। आप सभी का अटेंशन चाहिए, मैं सनम हूँ, दी अदर वन नहीं, सनम हूँ। क्या आप ये रीड कर सकते हैं? सनम है, सनम लिखा है, मेरा नाम सनम है, इसका मतलब सनम। कोई भी मुझे दी अदर वन नहीं बुलाएगा, मैं पढ़ के बताऊँ, सनम, मैं दी अदर वन नहीं हूँ, मेरा नाम सनम है, सुन रहे हैं आप, सनम नाम है मेरा, सनम। सनम क्या कर रही हो ये? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। ये क्या है? ये है मेरा अपना ब्रांड। तुम अपना गुस्सा शांत करो, चलो ठंडा पानी पियो जल्दी। गुलिस तुमने एमरे को देखा कहीं? अब सब समझ गए होंगे, कोई भी मुझे दी अदर वन नहीं बुलाएगा।
तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा आपसे टकराती रहती हूँ। क्या ये? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा लाओ दो मुझे। बेटर होगा कि आप इसे ना देखो। मुझे देखना है कि ये क्या है। मैं आपको नहीं दिखाना चाहती। मुझे देखना है। बेटर होगा कि आप इसे अनदेखा कर दो। जीजे क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? क्यों नहीं, उसने बेवकूफ बनाया देखा। The other one. नहीं सनम, देखो अब इसे हर कोई देख सकता है। एंड आई प्रॉमिस आज के बाद तुम्हें कोई दिया दवन नहीं बुलाएगा। इसके लिए थैंक यू। और बिलाल भाई सब ठीक है ना? अरे आयहान, आयहान अकेले क्यों बैठी हो तुम? और बताओ कैसे हो तुम? अच्छा सनम का वेट कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। मैं सनम का वेट कर रही हूँ और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? यू आर राइट। एक बात बताओ, तुम इतने साल से सनम का इंतजार क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं अपने लाइफ में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट पे हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं अंदर से जाग गई। क्या बात है। और मैंने इसके बारे में काफी सारे लोगों को बताया है। मेरी अपनी वेबसाइट www.ahanish.com. Exactly. तुम मुझे इस पर फॉलो कर सकते हो। तुम समझ गए ना? मेरे पास इंटरनेट तो है लेकिन मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूं? ये सब किस लिए है ना? ये अच्छा सवाल है। ये सब इसलिए क्योंकि हम सब स्पेशल है, हम यूनिक है और भी बहुत कुछ। मैं भी स्पेशल हूँ। तुम भी स्पेशल हो। सही है। मैं सोच रही थी कि तुम भी मेरे साथ मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट में काम करो। हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। चलो कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, कुछ यूनिक डिफरेंट वे में। मजा आएगा। तुम सही कह रही हो, मैं करने को तैयार हूँ। चलो ये भी करके देख ही लेते हैं। अरे यार मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है इसीलिए तुम्हें इसके लिए थोड़ी फीस तो भरनी ही पड़ेगी। ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत फीस देनी होगी। कितनी फीस है? सिर्फ 60 liras देने होंगे क्योंकि तुम दोस्त हो ना इसलिए कम मांगे। 60? हाँ तो अगर इसमें कुछ फायदा है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, फीस दे दूंगा। तो फिर ये डील पक्की समझो? डील पक्की बिल्कुल, हाई फाइव। अब से हम प्रोफेशनल बिजनेस में है ना, इसलिए अब से मैं तुम्हें मिस्टर मुजफ्फर बुलाऊंगा। हाँ और मैं मिस कहूंगा। सही है, तो फिर तुम कल मेरे ऑफिस आ जाओ। तुम्हारी ऑफिस भी है? वही तो मेरा होम ऑफिस है। तो तुम घर आ जाना, वही तो मेरा होम ऑफिस है। अच्छा घर में? ठीक है आ जाऊंगा, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। सनम को हेलो बोल देना, तुम चाहो तो प्लीज बोल देना। तुम्हारी मर्जी हो तो बोल ही देना, कोई प्रेशर नहीं तुम पर। मुझे पता है तुम बोल दोगी, मुझे यकीन है वो भी मुझे हेलो बोलेगी। मेरा दिल कहता है तुम उसे हेलो बोलना, वो भी मुझे रिटर्न हेलो बोलेगी। मुझे पूरा यकीन है, हेलो बोल देना ठीक है। वो जरूर हेलो बोलेगी, देखना। चलो चलता हूँ। हाँ ठीक है, वो हेलो बोलेगी। क्या बात है हान, तुमने अपना पहला क्लाइंट बना लिया। प्राउड ऑफ यू हान। मुझे इसे थोड़ा और स्टाइलिश बनाना होगा, थोड़ा और डिफरेंट। www.ahanish.com। कभी कभी तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता होगा ना? हाँ बिल्कुल आता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पता है ना मैं यहाँ पर डैड के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ, और मुझे कंपनी मैनेज नहीं करनी, मैं जानता हूँ तुम्हें करनी है क्योंकि वो तुम्हारा काम है और वो तुम अच्छे से जानते हो। वेल ये पुरानी बात है, अब मैंने न्यू प्लान्स बनाए हैं। और वो क्या है? मैं अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और फिर तुम हार जाओगे। एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर के बिना तुम 2 दिन में खत्म हो जाओगे। हेमरे तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? अब टाइम आ गया है, हमें एक दूसरे को चैलेंज करना चाहिए। अच्छा सच में? तो हो जाए फिर। कम अभी? हाँ अभी करते हैं, आ जाओ।
अयान, 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 तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेडिटेट करके फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी गुड अयान, चलो ना फिश और चिप्स खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेडिटेशन से मेरा पेट भर गया है तो। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, चलो चलते हैं। रेड अनियंस के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। छिलके? हाँ, तुम हमेशा की तरह लेट हो, इसमें कोई नई बात है क्या? ओ चलो आओ, मैं तुम्हें ऑफिस के बारे में सब बताती हूँ। तुम्हें पता है आज का दिन बहुत बढ़िया था। मुझे इतनी भूख लगी थी, पर ऑफिस में सब डाइटिंग पर है, एवोकाडो और चिया सीड्स खाते रहते हैं। वो क्या होता है? वो तो अच्छा है कि मिस्टर जान को चाय पसंद है, इसीलिए मुझे हमेशा चाय मिल जाती है। थैंक गॉड। जान से जुड़ी हर एक बात मुझे बहुत पसंद है, वो कितना हैंडसम है। वो इंसान एक मैग्नेट की तरह है, जब भी मिलता है तुम्हें अपनी ओर खींचता है, एक बिजली के झटके की तरह। तुम्हें कोई बड़ा झटका तो नहीं लगा सनम? मैंने ऐसा कब कहा? Oh, I forget about him. वो मेरी समझ से बाहर है, हम कुछ और बात करते हैं। ठीक है, अब तुम अपनी ऑफिस की सीक्रेट तो बताओ, आखिर कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं, मैं वो नहीं बता सकती। मैंने मिस्टर एमरी को प्रॉमिस किया है, मैं किसी को नहीं बता सकती कुछ भी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती हूँ सनम, मैं कोई स्ट्रेंजर थोड़ी ना हूँ, अपनी सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ। एक काम करो, गहरी सांस लो और रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद सारी बातें बताओ। हम दोनों एक जैसे ही तो है ना सनम? ऑलराइट। तो जब तुम ये सीक्रेट बताओगी तो मान लेना कि तुम अपने आप से ही बात कर रही हो। हाँ, मैं अपने आप से ही बात करूंगी। यू आर राइट। जब तुम अपने आप से बात करोगी तभी मैं सुनूंगी। मिस्टर एमरे ने मुझे केबिन में बुलाया। तुम इंसान ही हो ना? मैं तो थक गया। A2, come on, stand up। अभी तो गेम बाकी है, चलो उठो। मैंने मान लिया यार, तुम जीत गए। बस ऐसे ही मान लिया? जान यार, तुम तो मशीन हो। जिम, सैलो और खुली हवा में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। चलो अब अपनी बॉल पकड़ो और मेरे साथ स्विमिंग पे चलो। मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। अरे तुम अभी भी लेटे हुए हो? फिर मैंने मिस्टर जान के प्रोजेक्ट की फोटो खींचकर मिस्टर एमरिक को दे दी। अब चलो भी, क्या हुआ? तुम कब से इस तरह बिहेव करने लगी? क्या मैं इसी सनम से बात कर रही हूँ? यकीन नहीं हो रहा, तुम कब से इस तरह के काम करने लगी? ये कितनी अजीब बात है सनम, आज तक तो मुझे भी नहीं पता चला। यस एग्जैक्टली, यही सुनना चाहती थी मैं। क्या तुम्हारे डैड को ये पता है कि तुमने जिस इंसान से पैसे लिए हैं उसकी वेडिंग रिंग भी तुम्हारे ही पास है? डैड को पता चला ना तब तो? नहीं, लेकिन पापा को तो पता चल ही जाएगा थोड़े दिनों में। और तुम्हारे अल्बात्रोस का कुछ पता चला? नहीं यार, तुम्हें पता है हमारी कंपनी में 39 दाढ़ी वाले लोग हैं। शायद मैं अनलकी हूँ, मेरी जिंदगी में प्यार ही नहीं लिखा है। खैर मुझे घर जाना है, लेकिन घर पे भी तो लैला से झगड़ा होता रहता है। मैं उनके लिए कुछ भी करूं, कभी अप्रिशिएट नहीं करती। मुझे लगता है मुझे अपने रूम में बालकनी से जाना चाहिए, क्या कहती हो? तुम तो अपने पेरेंट्स के साथ हो, तुम्हें अच्छा फील होना चाहिए। मुझे देखो, मैं और मेरा भाई ही साथ रहते हैं, हमसे पूछो। अयान, तुम और उस्मान मेरे भाई जैसे हो, काश तुम लोग मेरे सगे भाई बहन जैसे होते तो कितना मजा आता। एहान, तुम और उस्मान मेरे फैमिली तो हो, काश हम सगे भाई बहन होते। तुमने बहुत खा लिया है अयान।
मॉम मैं आपको सारी बातें कैसे बताऊं? आपको पता है वो अपने नाम का बैनर लगाकर पूरे ऑफिस में घूम रही थी। जेजे ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। वो तो इतना परेशान हो गया था कि उसने ये सब देखकर मुझे सीधा कॉल ही कर दिया। मॉम वो लड़की बिल्कुल पागल है, ऐसी कौन सी मेंटल प्रॉब्लम है उसको? वाह 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 वाह, ये लड़की भी ना। निहात तुमने सुना सनम ने क्या किया? और निहात तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा? एक दिन मेरी ऐसे ही जान चली जाएगी। मैं सनम की बात कर रही हूँ और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ तो इस सब के पीछे तुम ही लोग जिम्मेदार हो। तुमने कहा या तो शादी करो या काम। अब वो काम करने लगी। अब मेरी प्यारी बच्ची पर काम का प्रेशर आएगा तो यही होगा ना? डैड वो खराब नहीं हुए हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। कोई मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? मैं कब से कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी प्यारी बेटी, जब उनके कंप्यूटर्स रिपेयर हो जाएंगे ना तो तुम्हें वो वापस बुला लेंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे क्या बेटा, तब तक तुम अपना ये वेकेशन एंजॉय करो। आपको ये वेकेशन लगता है? हाँ क्यों, ठीक से नहीं बनाया क्या? अरे तुम इंटेलिजेंट भी हो और टैलेंटेड भी हो, तुम्हें कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। अपनी बहन के बारे में सोचो, बेचारी स्ट्रेस में पूरे ऑफिस में बैनर लगाकर घूम रही है। ऐसा कहीं होता है क्या बताओ? मॉम आप डैड को समझाती क्यों नहीं? अगर स्ट्रेस नहीं होता तो वो नौकरी कभी नहीं ढूंढती है ना। निहात उसको लैला के बारे में सोचना चाहिए। निहात उसके घर में आते ही आज उसके साथ प्लीज बात कर लेना। मुझे तो ये सोचकर फिक्र हो रही है कि अगर वो लड़की ऑफिस में ऐसा करती है तो फिर सड़क पर क्या करती होगी। तुम फालतू में ही चिंता कर रही है, वो कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना, वो आती ही होगी या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने के लिए गई होगी। कम ऑन लैला, तुम्हारे पापा की चाय ठंडी हो गई है, कॉफी माइंड को फ्रेश करती है। थोड़ी सी पियोगे ना तुम कॉफी निहात? बेविक, ये देखो अखबार में लिखा है कि अब से पानी कम आएगा, तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग पानी भर लेते हैं। मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। पॉलिन प्लीज ऐसा मत करो यार, समझो मेरी बात को, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम ही हर बार यहाँ आती हो और हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया हुआ है ना, अब मैं क्या बोलूं। ठीक है फिर रखता हूँ। पॉलिन सच में मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं कितना बिजी हूं। ऑलराइट ठीक है रखता हूं। हाँ ठीक है ओके पॉलिन, गुड नाइट बाय बाय। पॉलिन का फोन था, उससे बात करके बहुत गलत किया। ओए मैंने उससे कोई प्रॉमिस नहीं किए हैं और फिर भी वो मुझ पर फोर्स कर रही है। वो तुमसे प्यार करती है, तुम उससे साल में सिर्फ 3 बार मिलते हो और तुम्हें ये प्रेशर लगता है? उसे और भी ज्यादा वक्त चाहिए और मेरे पास नहीं है, कहां से दूं मैं? क्या वो डिजर्व नहीं करती? हाँ बिल्कुल करती है। वैसे तुम मुझे अपनी मटेरियलिस्टिक गर्लफ्रेंड से कब मिलवा रहे हो बताओ? बहुत जल्द। बहुत जल्द? फोन पर तुमने उसका नाम सेव कर रखा है, माई लव। मैं सारी लड़कियों के नाम ऐसे ही सेव करता हूँ। I'm sure तुम भी यही करते होंगे। नहीं मैं ये सब नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मेरी मॉम से अभी बात हुई थी, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझे नहीं मिलना। वो स्विट्जरलैंड से आ रही है खास तुमसे मिलने। मेरी बात मानो, उनसे थोड़ी देर के लिए मिल लेना तुम। तो मैं क्या करूं? अच्छा होगा कि वो यहां पर नहीं आए। बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग। या मॉर्निंग जेजे, ये यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर जान इतनी जल्दी क्यों आ गए? बस थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है कि नया कैंपेन हमें मिलेगा या नहीं। फिक्री हकीरा? यस। अच्छा आई अंडरस्टैंड। यस आप कौन बोल रहे हैं? मिस्टर अहमद, हाउ आर यू? आजकल आप हमारे ऑफिस नहीं आते। थैंक यू। ऑल राइट मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मुझे कहना है हमें प्रोजेक्ट मिल गया।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। और दोनों हवा में बहुत देर तक उड़ सकते हैं और दोनों के पास ही एक जैसे विंग्स होते हैं। आई कांट बिलीव दिस, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जान। थैंक यू सनम, बहुत अच्छी बात है। गाइस मुझे कुछ अनाउंस करना है। मिल गया। आज सारे हमारे घर पर चलेंगे और सभी को मेरी तरफ से बारबेक्यू पार्टी। मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो आप जल्दी से अपना काम खत्म करो। ऑलराइट, सी यू गाइस, बाय। यो आइलैंड, कांग्रेचुलेशंस। तुम सेलिब्रेट कर रहे होगे ना? कल रात तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं अपने भाई के साथ था। तुम्हारे भाई को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। आइलिन, ये सब में मैं फंस सकता हूँ, बात को समझो प्लीज। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? वाओ आइलिन, मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, प्लीज अपना दिमाग थोड़ा शांत करो, मैं बाद में बात करता हूँ। एमरे फोन मत रखना। क्या तुम इसी वक्त मेरे पास आ सकते हो? नहीं आ सकता। क्यों? मैं ऑफिस में हूँ और मेरे भाई को शक हो सकता है। ओके, जाओ और हमेशा की तरह अपने भाई की परछाई बनकर रहो। आइलिन अभी मुझे जाना होगा। तुम पछताओगे एमरे। डिस्गस्टिंग। डरन तुमने बहुत अच्छा काम किया, कुक बुक इज वेरी गुड। हाँ, हम दोनों ने साथ मिलकर अच्छा काम किया। अरे ये गुलिस का फोन हमेशा बिजी ही रहता है क्या? हाँ, वो पूरी दुनिया को हमारे प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में गुड न्यूज दे रही होगी। मिस्टर जान, हाँ? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम दोनों मिलकर उस बुक पर साथ में काम कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, चाहे तो प्रीवियस बुक्स भी रख सकते हैं। यस, ये बहुत मजा आएगा। हाँ, ये भाई मेरे लिए भी थोड़ा बना दो। हाँ हाँ बनाता हूँ एमरे, बनाता हूँ। हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात कहूँ, तुम बहुत स्वीट हो जेजे, और सबनम तुम भी बहुत स्वीट हो। तुम्हारा जो भी नाम है तुम स्वीट हो। हाँ तुम भी। क्या स्वीट लग रही हो तुम? अच्छा ठीक है, थैंक्स। कैसी हैं मिस जेरन? हमें थोड़ी भूख लगी है तो हम थोड़ा खा पी के आते हैं। चलिए। भूख तो मुझे भी लगी है। वो मुझे सबनम बुला रही है। चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी वो, तुम टेंशन मत लो। कैसे है सर? हेलो 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 मिस्टर जान। हेलो सनम, सब बढ़िया? बहुत ही बढ़िया। कैन, तुम पूरा दिन काम करते हो और खाना भी तुम ही बना रहे हो। थैंक यू कैन। वेल, मुझे तो इस काम में मजा आता है, बारबेक्यू मेरा पैशन है। और टेस्ट करो। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट नहीं खाती। एक दिन के लिए तो खा ही सकती हूँ। नहीं कैन, टेस्ट तो करके देखो। प्लीज, मैं वेजीज खा लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे मीट खाना है, प्लीज क्या मुझे एक सैंडविच मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, अभी रिफत, आप मुझे दे दो। एक बात सुनो, ये एक फैंसी पार्टी है और यहाँ सर्विस जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ एलिगेंट होता है, समझ गए? मीट भी तो एलिगेंट है। ये तो तैयार है। हाँ इतना मेरे लिए काफी है। वो दूसरी सैंडविच मेरी है, मुझे इसी तरह खाना पसंद है। ये लो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ड्रिंक्स और सलाद उस तरफ है, वहां जाओ और एंजॉय करो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ।
तो लिज तुम डाइट पर हो, इतना मत खाओ। एक अर्जेंट फोन है, मुझे उठाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बोलो। मैं अभी पहुंची हूँ। हाँ हम बाद में जरूर बात करेंगे, सी यू। मजे कर रहे हो ना? हाँ क्यों नहीं। हेलो, हमारी सक्सेस के लिए चीयर्स। हमारी कंपनी के नाम। अब तो कैन भी यहाँ है, इसीलिए सब कुछ अच्छा होने वाला really? है। How nice. टेस्ट किया? आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरे अल्बेट्रोस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा आप क्या सोचते हैं? मैं भी नहीं जानता उसके बारे में। वैसे तुम्हारा तो फियांसे है ना, तुम्हें अल्बेट्रोस मिलेगा तो क्या करोगी? उसका मेरी एंगेजमेंट रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाले को अल्बेट्रोस बुला रही हो? क्योंकि वो मोस्टली इनविजिबल होते हैं, घंटों तक उड़ते रहते हैं। उन्हें तो मैंने भी नहीं देखा है, बस मैंने उनके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा है। मैंने देखा है। दी मैन? नहीं, अल्बेट्रोस समंदर में। कैसे दिखता है वो? वाइल्ड, बड़े और अकेले। उनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं, वो मोनोगैमिक होते हैं और किसी भी खुशबू को वो कभी नहीं भूलते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं भूलते। एनीवे, वो एक वैसे भी बर्ड है और तुम्हारे ब्रांड को वो सूट नहीं करता। थैंक यू। मैं चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिए। तुम एंजॉय करो। डांस की पार्टी कैसे लगेगी? चलो आओ डांस करते हैं, प्लीज चलो उठो। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ये मसल्स अफ्रीका से गिफ्ट में ले आए हो क्या? मैं वाटर पोलो खेलता था, शायद यही वजह हो। नहीं कैन, थोड़ा और ड्रिंक करते हैं ना। डेरन तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तो तुम क्या बैठना चाहोगी? हा? नहीं। क्या तुम श्योर हो? थोड़ी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी कॉफी पी लो। एक और ड्रिंक मिलेगी क्या? चलो ना साथ में पीते हैं। हा? और यहाँ पर वैसे भी काफी गर्मी हो रही है, चलो अंदर चलते हैं। शुगर मत डालना। टर्किश कॉफी विदाउट शुगर। थोड़ी देर के लिए म्यूजिक बंद करोगे क्या? माय डियर बॉसेस एंड फ्रेंड्स, मेरा टैलेंटेड दोस्त आज हमारे साथ है इस खास मौके पर, जो आप सबका एंटरटेनमेंट करेगा। आज ये हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। सो गाइस प्लीज एंजॉय। क्या हमें दो कप टर्किश कॉफी मिलेगी बिना शुगर? कैपेचिनो या लाटे तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ टर्किश कॉफी? मिस्टर रिफात, मैं आपके लिए परफेक्ट कॉफी बना के देता हूँ, आइए मेरे साथ। ध्यान रखिएगा, मैं अभी आया। चलिए चलिए, आराम से। इसे चालू करते ही बता देना, वो इसे ऑन करेगा, फिर तुम भी प्ले कर देना साथ में, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ अभी है।
kalbinden vur. Bu bir cinayet serisi olur. Aşk bir otelde ölü bulunur. Aynasızlar seni de vurur. Sorarlarsa faili meçhul. Seni seviyorum kaç kurtul. Daha çok genciz çok yazık olur. Kaçsa bile şu son vapur. Seven sevdiğinin yanında durur. Kıyma bize gitme ne olur. Gitme şehir çok bozulur. Aapne jaise bola tha maine waise hi kiya tha. Maine gadbad kar di. Wo project Mr. Jaan ko mil gaya. Tumse jitna ho saka tumne kiya Sanem. मैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला था पर वो डिजाइन काम नहीं आती और उसे क्लाइंट भी नहीं मिलता लेकिन उसने अचानक प्रोजेक्ट चेंज कर दिया इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते पर उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया है आपको लगता है वो कंपनी बेच देंगे इतनी जल्दी भी नहीं उसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है स्टॉक मार्केट के ऊपर जाते हुए ये काम कर देगा सनम देखो मुझे उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा समझ रही हो तुम मिस्टर एमरे आपने देख लिया है कि मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूं अगर मेरे बस में ये बात होती तो मैं कब का कर देती सनम आई प्रॉमिस यू थोड़ा सा वेट करो सब कुछ ठीक हो जाएगा मिस्टर एमरे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए प्लीज सनम आर यू ओके सनम कम मैंने कहा था आपको मुझसे ठीक से बात भी नहीं करने आती और आप कह रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करूं मैं ये सब कोई कैसे करूंगी मेरे रूम में जाओ ठीक है वहां पर राइट में ड्राइंग मशीन है उस तरफ जाओ ठीक है ऑलराइट मिस डेरन आप एक काम कीजिए यहां पर लेट जाइए हाँ कॉफी में आपको ला के देता हूँ हाँ ठीक है आपने पैर ऊपर कर लीजिए आराम से लेट जाइए फिर आपका नशा उतर जाएगा ठीक है हमेशा ऐसा क्यों होता है कहां है वो 6 मिनट वाला की कहा है कहा है किसीले तनुष्टम इसमें गölge inanır mısın her saniye peşinde ama sana dürüst ol मजा आ रहा है पार्टी में हां मजा तो बहुत आ रहा है वैसे बारबेक्यू की वजह से मैं स्टिंक कर रहा हूं मुझे लगता है मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए तुम एक ग्लास पकड़ो और उसे मत पीना हां मिस्टर जान हां रफत भाई डरन कैसी है अब हाँ वो कॉफी पीकर आराम कर रही है थोड़ी देर में ठीक हो जाए क्या आप गेस्ट को ड्रिंक सर्व करेंगे प्लीज मुझे लगता है उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया इस वजह से हाँ ठीक है ठीक है एंड आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी नो नो माय प्लेजर अरे नहीं फिर से सनम